अखबारों की सुर्खियां देख रहा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ को लेकर के लंबे समय से बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं जो है वो डिमांड कर रही है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो दिया हुआ है लेकिन सुविधाएं नहीं है, वो सारी सुविधा यहाँ भी हो ताकि लोगों को इसके लिए नारनौल ना जाना पड़े। सर आज ये डिमांड जो है ये जायज़ है, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिस पे सरकार अपना जो है रवैया जिस ढंग का अपना रखा है उसको सरकार को त्यागना चाहिए और इन संस्थाओं को सम्मान देना चाहिए। जहाँ मैं इस धरने में आकर के आज इसका समर्थन नहीं बल्कि मौका मिला तो सरकार को इस बात के लिए वाद्य करूँगा कि उनकी मांग को माना जाए। आज ही चिट्ठी लिख करके भेजूंगा अपने ऑफिस से कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल के कॉलेज के वो भी धरने में शामिल हैं ताकि वो बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज जाएं, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इसके लिए सरकार को इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इनको आश्वस्त करके इसको मना देना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ जो किसानों का इशू है, जिस तरह से सरकार ने कल बैकफुट पे आने का काम किया तो प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को जो इसमें थोड़ा सा इशू अटका हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए। किसान की डिमांड पहले दिन से है कि तीनों कृषि के कानून रद्द करो, और सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इसको डेढ़ साल दो साल निगरान कर सकते हैं, हम इसको स्टे कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है वो गलत है। तो गलती अगर सरकार करे तो लोग जब उसको जाकर के आग्रह करें तो उनकी बात को मानना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, उसके अपराध के मुताबिक उसको दंड देती है, सजा देती है। सरकार गलती करे तो उसको एहसास तो जनता कराएगी, और जनता लाखों की संख्या में बैठी है तो उन जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तुरंत अपना फैसला बदल करके किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए। सर आज से आप जो ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा कहाँ तक जाएगी, किस प्रकार से आपका रूट है? मैं जो ये रिवाड़ी के पास बॉर्डर है मुसाणी बराज है, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ जा करके उनके साथ बैठूँगा, जहाँ अपने साथियों की ड्यूटी लगा के आऊँगा किस धरने में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं पंजाब के हैं, उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता जो है उनकी हेल्प करेगा, वहीं वॉलंटियर के रूप काम करेगा और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को अपने साथ ले जा करके वहाँ बैठाएगा।